स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो बच्चों, बहुत से बच्चे रिजल्ट मिलने के बाद, कुछ बच्चे तो खुश हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आ गए हैं, बट ऐसे संख्या बहुत ज्यादा हो गई है जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया है। तो वो बच्चे वर्डेड हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग। आई वुड ट्राई कि इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हों मैं क्लियर कर सकूँ। बच्चे डिमोटिवेटेड भी हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ, शायद आपको थोड़ी राहत मिली। सीबीएसई का रिजल्ट बेशक इस बार खराब हुआ है लास्ट ईयर के तुलना में, लास्ट ईयर से पासिंग परसेंटेज ड्रॉप होकर 94 गया, बट आज अभी जो स्टेट बोर्ड्स की जो रिजल्ट आए हैं उसमें, खासकर आप गुजरात बोर्ड को देखो, पासिंग परसेंटेज इज वेरी लो, 64%। अब आप ये सोचिए कि वहाँ पे बोर्ड्स में बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा, मतलब 100 में सिर्फ 64% बच्चों ने पास किया है, तो दिस इज अ वेरी लो पासिंग परसेंटेज, इजंट इट? उस रेस्पेक्ट में सीबीएसई का रिजल्ट फिर भी बेटर है। अब बात करते हैं एग्जाम के डेट शीट की। आपके एग्जाम की डेट शीट जो है ना, वो डिले हो रही है। उसका कारण है कि अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, वेरिफिकेशन हो गया है, कॉपी रीवैल्यूएशन हो जाएगी। मान लो कि बहुत से बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे यही मैसेज कर रहे हैं कि उनका जो है रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है वेरिफिकेशन का, या फिर आया है जो वो मार्क्स उनके बढ़े नहीं है, ठीक है? तो ज़्यादातर बच्चे इसी कैटेगरी में हैं जिनके मार्क्स बढ़े नहीं है। तो अगर मान लो कि कुछ बच्चों के मार्क्स अभी नहीं बढ़े हैं, तो हो सकता है जब आप फोटो कॉपी मंगवाओगे और री इवैल्यूएशन करवाओगे, फिर तो बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे ही। तो डेफिनेट सी बात है कि जब आप री इवैल्यूएट करोगे तो आप खुद देखोगे ना कि कौन से क्वेश्चन आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो देर आपको मार्क्स मिलेंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कंपार्टमेंट की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, फिर उनको ये स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए एग्जाम के डेट शीट को थोड़ा सा डिले किया गया है। तो आप मई तो एंड होने ही वाला है, या तो इस वीक के एंड में, या फिर आप समझ लो जून के फर्स्ट वीक तक आपका डेट शीट आएगा, ठीक है? और एग्जाम जो है वो मिड ऑफ जुलाई में होगा। मिड ऑफ जुलाई में आपके पास अभी काफी वक्त है, पूरा का पूरा जून पड़ा हुआ है, ठीक है? मई भी फिनिश नहीं हुआ है, जून प्लस मिड ऑफ जुलाई, यानी कि दो वीक उधर भी रख लो, तो आपके पास इनफ टाइम है। 12th वालों को एक सब्जेक्ट ही है, 10th वालों को दो सब्जेक्ट है, मैक्सिमम किसी के दो सब्जेक्ट होंगे, करेक्ट? तो इनफ टाइम है, स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई कीजिए। कुछ बच्चे पेपर के लेवल के बारे में जानना चाहते हैं। बच्चों पेपर का लेवल क्या है ना, जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है ना, लगभग वैसा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बोर्ड में होते हैं उसमें कॉम्बिनेशन होता है इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट का, तो वो यहाँ भी होगा। अब इजी मान लो कि 40% क्वेश्चंस जो होंगे वो इजी होंगे, ठीक है? इजी यानी कि सारे बच्चे जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएंगे वो उसको क्रैक कर पाएंगे। क्या पढ़ के जाओगे? एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। देन मान लो 40-50% आप इजी पेपर में ले आए, उसके बाद अगर नंबर चाहिए यानी कि 80-85 के रेंज में चाहिए, तो देर आर सम मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आल्सो जो बहुत मुश्किल नहीं होते, थोड़ा सा अगर आपके पास याद करके आए हो तो स्ट्रेट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के होते हैं, तो वो लिख सकते हो। अब 80-85 तक ले अगर आपको टॉपर बनना है, तो फिर आपको उस लेवल के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे डिफिकल्ट। तो ऐसा नहीं हो कि पूरा का पूरा पेपर इजी आएगा या पूरा पूरा पेपर डिफिकल्ट आएगा, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर, जैसा था वैसा आएगा। हाँ, और इस बार जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट भी होते हैं वहाँ से, तो इतना तो समझ लो कि उस आपका जो इस बार एग्जाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो उतने को तो बाय हार्ट कर लो, ठीक है? और अब जो एग्जाम होगा उसमें प्रॉपर लिख के आना, अगर कॉपी खाली छोड़ेंगे तो फिर से टीचर्स नंबर आपको नहीं देंगे। तो अटेम्प्ट जरूर लेना, जो सीबीएसई के नियम है उसका पालन करते हुए, बहुत से टीचर्स ने नंबर दिए भी हैं। अगर आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में, तो आप ये मत समझिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि स्टेप मार्किंग नहीं हुई है, अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिले हैं। मेरे पास अभी ऐसे बहुत से बच्चों के मैसेजेस हैं, मैं दिखा सकती हूँ कि उनको एक्सपेक्टेशन से अबव मार्क्स मिले हैं, और जो वो सोच रहे थे वो फेल होंगे वो बच्चे पास भी हुए, तो ऐसे नंबर भी हैं। तो ऐसा नहीं करना कि आप स्टेप मार्किंग नहीं होगी या अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छे से पढ़ के जाओ, प्रॉपर लिख के आओ, ठीक है? जब फॉर्म आएगी, फॉर्म चार्ज जो होगी वो 300 पर सब्जेक्ट होगी, ठीक है? तो डिले बस इसीलिए हो रही है ताकि रीचेकिंग में अगर आपके नंबर बढ़ गए तो फिर ये फर्दर कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। और रीचेकिंग में ट्रस्ट मी बहुत से बच्चे पास हो जाते हैं, बहुत से बच्चे, आप सब में से जिन बच्चों के मार्क्स बढ़े वो जरूर बताना ताकि दूसरे भी मोटिवेटेड हों। कई बच्चे जब परेशान होते तो मैसेज करते, बट जब उनके मार्क्स आ जाते तो नहीं बताते, तो आप बताओगे नहीं तो दूसरों को मोटिवेशन कैसे मिलेगी, इजंट इट? तो आप जरूर शेयर करें इस चीज को। डेट शीट इसीलिए डिले हो रही है, डेट शीट अभी आई नहीं है, आने ही वाली है, ठीक है? और एग्जाम जैसे ही होगा उसके 2 हफ्ते बाद ही रिजल्ट आ जाएगी, क्योंकि सीयूईटी जो है
उसके तहत जो एडमिशंस होते हैं वो तो पता है कि होते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 2 हफ्ते बाद, यानी कि अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कीजिए, डिमोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं जो फुल मार्क्स तक ले आते हैं, मान लो कि आपने उस वक्त नहीं पढ़ा, नहीं लाया नंबर, 1-1.5 महीना आपके पास, ऑलमोस्ट 45 डेज अभी भी बचे हुए हैं, तो यू हैव इनफ टाइम कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ बच्चों के सवाल हैं, जिसमें से 1-2 सवाल के जवाब में देना चाहूंगी। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वेरिफिकेशन का जो अपडेट अपना स्टेटस देखने जा रहे हैं तो वो सर्कल हो रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, तो कभी कभी साइट अपडेट होती रहती है ना, नहीं आती है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो कहाँ गया, वो जैसे ही स्टेबल होगा साइट आपको दिख जाएगा, करेक्ट। अब आते हैं पैसे की बात करते हैं। बहुत से बच्चों के क्या हो गए ना, 2-2 टाइम्स पेमेंट हो गई है, तो 2-2 टाइम्स पेमेंट जो हो गई ना, अगर ऑनलाइन पेमेंट आपने किया है, ऑनलाइन ही किया होगा, तो पेमेंट अगर 2 बार हो गई है, मिस्टेकनली अगर हुई है, तो आप 4 दिन वेट कर सकते हैं, 4 दिन बाद अगर ऐसी कोई पेमेंट ट्रांजेक्शन होती है ना, तो कैश हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप CBSE के कस्टमर केयर में जाकर के अपनी बात कर सकते हैं, यानी कि जो हेल्पलाइन होती है बेसिकली, आप हेल्पलाइन पे बात करके पता कर सकते हैं, और या फिर आपने जिस बैंक से पेमेंट किया हो, करेक्ट, उस बैंक के कस्टमर केयर में जाकर के भी आप हेल्प ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, बट 4 दिन में पेमेंट वापस आ जाएगी, ओके। ऐसा नहीं होता है कि आपकी 2 बार पेमेंट कट गई तो CBSE एक ही बार लेगा आपके पेमेंट, 2 बार नहीं लेगा, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत से बच्चों के रिजल्ट अच्छे भी हुए, थैंक यू सो मच बच्चे, आपको मोटिवेशन मिला मेरे वीडियोस देखकर, सो थैंक यू सो मच। और अब बात करना चाहूंगी कंपार्टमेंट इन केमिस्ट्री। बेटा आपके पास अभी 40-45 दिन है, तो डरिए मत, घबराइए मत, स्पेशल बैचेज चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री क्लास 12th में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि फर्दर अपडेट्स मैं आपको दे सकूँ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।